Hello students, how are you all? I hope all are fine and healthy at your home. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट. लास्ट टाइम हमारा लेसन 2 कंप्लीट हो गया. आज हम लेसन 3 समझेंगे. पार्ट 3, स्कूल बस. स्कूल बस एक कविता है. डियर स्टूडेंट्स, इस कविता को समझने से पहले हम सब इस कविता को सुनते हैं. सुनना चाहते हो सब कविता? तो चलो शुरू करें. पार्ट 3, स्कूल बस. नीली पीली बस है आई, नाम स्कूल का साथ है लाई. कभी नहीं यह धुआं उड़ाती, देखो कितनी दूर से आती. अपने अपने बैग उठा लो, फिर एक लंबी लाइन लगा लो. एक एक कर सब चढ़ो, आपस में नहीं लड़ो. चलती बस में कभी ना चढ़ो, अपनी बस को साफ रखो. बस से बाहर ना निकालो हाथ, मिलजुल कर बैठो सब साथ. वाओ, मजा आया ना सबको कविता सुनने में. अब हम इस कविता की पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं. नीली पीली बस है आई, नाम स्कूल का साथ है लाई. तो बच्चों, स्कूल बस कौन से रंग की होती है? नीले और पीले रंग की. वेरी गुड. और आप सब यह जानते हो कि जिस स्कूल की बस होती है, उस स्कूल का नाम उस बस पर लिखा हुआ होता है, ताकि सबको पता चले कि यह जो बस है वो ए स्कूल की है. आप सबने हमारे स्कूल की बस देखी है, उस पर भी हमारे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, और वो भी पीले रंग की है. तो नीले पीले रंग की बस आती है और साथ में स्कूल का नाम लाती है. मतलब कि स्कूल बस पर स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है. कभी नहीं यह धुआं उड़ाती. बच्चों, आपको पता है ना कि धुएं से हवा में प्रदूषण फैलता है. सड़क पर तो कई प्रकार के यातायात के साधन चलते हैं, जैसे कि कार, स्कूटर, बस, ट्रक आदि. इन सब साधनों से निकलने वाला धुआं हवा में घुल जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो फिर यही धुआं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है. पर ये जो स्कूल बस है वो कभी नहीं धुआं उड़ाती है. देखो कितनी दूर से आती. तो बच्चों, स्कूल बस का क्या काम होता है? वो उन बच्चों को स्कूल में लेकर आती है जिनका घर स्कूल से दूर होता है. फिर उन बच्चों को सही सलामत स्कूल से घर पहुंचाती है. तो ये जो स्कूल बस है वो भी बहुत दूर से आती है और बच्चों को स्कूल में ले जाती है. अपने अपने बैग उठा लो, फिर एक लंबी लाइन लगा लो. एक एक कर सब चढ़ो, आपस में नहीं लड़ो. जब भी स्कूल बस आए तब बच्चों को अपने अपने बैग उठाने हैं, फिर एक लंबी लाइन बनानी है. सबको एक साथ बस में नहीं चढ़ना है, और चढ़ते वक्त किसी को धक्का भी नहीं देना है. नहीं तो क्या होगा, सब एक दूसरे पर गिर जाएंगे. तो क्या करना है, हम सबको एक एक कर चढ़ना है और आपस में किसी से लड़ना नहीं है. एकदम शांति से लाइन बनाकर बस में चढ़ना चाहिए. बस में चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए. अब आगे. चलती बस में कभी न चढ़ो, अपनी बस को साफ रखो. अगर हमारे चढ़ने से पहले बस चालू हो जाए तो हमें उस बस में कभी नहीं चढ़ना चाहिए. बस में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करनी चाहिए. कागज फाड़कर फेंकना, थूकना अथवा फल के छिलके गिराना, यह सब गंदी आदतें हैं. इन्हें बस में ही नहीं बल्कि सड़क पर चलते हुए, विद्यालय या कक्षा में,
अपने घर में या आसपास नहीं फेंकना चाहिए, तो हमें अपनी स्कूल बस को एकदम साफ रखनी चाहिए। बस से बाहर न निकालो हाथ, मिलजुल कर बैठो सब साथ। बस में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, बस की खिड़की से हाथ मुंह बाहर नहीं निकालने चाहिए। अपनी सीट पर बैठकर स्कूल आने का इंतजार करना चाहिए, और अगर स्कूल से घर जा रहे हैं तो घर आने का इंतजार करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो स्कूल बस में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप ऑटो और वैन में स्कूल आते जाते हो फिर भी आपको ये स्कूल बस वाले ही रूल फॉलो करने हैं। आपको यह कविता रीड एंड लर्न करनी है और लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।